दिस न्यूज इज ब्रॉट बाय हेवन यूनिसेक्स सैलून कुल्लू। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में इस वर्ष के टॉपर रहे निशांत कुमार कड़ी मेहनत और एकदम स्पष्ट लक्ष्य की बदौलत इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सिराज के छतरी गांव निवासी निशांत चाहते तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर अब तक किसी बड़ी कंपनी में लाखों की नौकरी कर रहे होते, लेकिन उनके अंदर स्कूल के समय से अंकुरित हो चुके समाज सेवा के बीज ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। निशांत कुमार ने जमा दो की परीक्षा तो साइंस के साथ उत्तीर्ण की, लेकिन उसके बाद ग्रेजुएशन में आर्ट्स विषय को चुन लिया, क्योंकि उनका मकसद मल्टीनेशनल कंपनियों का कैबिन नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए एक अधिकारी को मिलने वाली कुर्सी व जिम्मेदारी थी। यही वजह रही कि निशांत ने ग्रेजुएशन के बाद लगातार 4 बार HS की परीक्षा दी और सिर्फ इसी तरफ अपना ध्यान रखा। एक बार उनका चयन BDO के रूप में भी हो गया, लेकिन उन्होंने उसे भी ठुकरा दिया। अब निशांत कुमार को उपमंडलीय अधिकारी बनकर सेवा करने का मौका मिलेगा। सफलता के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सारे घर वाले बहुत खुश हैं और जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी हैं वो भी काफ़ी खुश हैं, तो इस समाचार मिलने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी मैंने क्या प्लस टू के बाद अपने सब्जेक्ट चेंज कर दिए थे, तो मुझे पहले से पता था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, तो मैंने कॉलेज में अपने सब्जेक्ट चेंज कर लिए थे। मैंने साइंस से आर्ट्स रख लिया था, तो उसके बाद मैंने 2017 HPS में BDO रैंक मिला था मुझे, तो उसके बाद मैंने उसको ड्रॉप किया था। फिर 2019 में अब मुझे प्रॉपर HS में मिला है, तो सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। ये मेरा ओवरऑल 4th अटैम्प्ट था। मेरे पहले अटैम्प्ट में मेरा पेपर क्लियर नहीं हो पाया था प्रीलिम्स, तो सेकंड में मेरी सिलेक्शन हो गई थी BDO में, और 3rd टाइम भी मैंने मेंस एग्जाम्स से ऑप्ट आउट कर लिया था, 4th टाइम में मेरा ये HPS में सेलेक्ट हो गया था, तो ये 4th अटैम्प्ट था। सर सबसे पहले तो जो सिविल सर्विसेज के लिए जो समाज में आप रहते हैं और उसके डेवलपमेंट के लिए और लोगों के उत्थान के लिए आपको सबसे ज़रूरी रहता है कि आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें, और जो इसकी मॉरल अथॉरिटी है सिविल सर्विसेज की वो काफ़ी अच्छी हो गई है। ये रादर देन प्रोसीजरल जॉब होके इनेबलर की जॉब हो चुकी है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा था कि करियर चूज़ करके, तो इसीलिए चूज़ किया। बचपन से अब तक का सफ़र कैसा? बचपन से आज तक का सफ़र मेरा लर्निंग में ही गया है, पहले से जब मैं गाँव की विद्यालय में पढ़ता था तब से लेके आज तक का मेरे हर जो व्यक्ति मेरे क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट में आया, वाकिंग में आया, मैंने सबसे लर्न करने की कोशिश की, और आज तक वो लर्निंग स्टार्ट है और हमेशा वैसे ही बनी रही है। सफ़र भी बहुत अच्छा रहा है पहले से, और अब भी पढ़ाई में अच्छा रहा है, तो आगे भी शायद ऐसा चलता है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मंडी से विप्लव ठाकुर के साथ ब्यूरो प्रमुख अमन अग्निहोत्री की रिपोर्ट। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा? आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवन्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल ग्रूम्स मेकअप के साथ साथ हेयर कट ट्रिमिंग शेविंग हेयर स्पा फेशियल वैक्सिंग ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं, तो जवां जवां दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून।